कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर गुरुवार को भी महानगर की सड़कों पर देखने को मिला। इस दौरान महानगर के विभिन्न चौराहों एवं सड़कों पर लोगों का आवागमन भी देखने को मिला, वहीं सन्नाटा भी नजर आया। इस दौरान GDA टावर रोड, हरिओम नगर तिराहा, DM आवास रोड, अम्बेडकर चौक, कचहरी बस स्टेशन रोड तथा सिविल लाइन सहित अन्य क्षेत्रों में भी नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इन संबंध में ADM फाइनेंस और प्रभारी ADM सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश से रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है और शनिवार तथा रविवार को भी साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। ADM फाइनेंस ने जनता से अपील किया कि लोग घरों से बेवजह ना निकलें और लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का पालन करें, जिससे हम कोविड से बचाव कर सकें। उन्होंने कहा कि जनता कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, राज्य सरकार के निर्देश हैं कि रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और शनिवार और इतवार को लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। लोग अनावश्यक बाहर ना निकलें, जो भी ज़रूरी सामान है, मेडिकल स्टोर है, वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, दवाइयां मिल रही हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि लॉकडाउन का भी और रात्रि कर्फ्यू का पालन करें, जिससे हम लोग कोविड से बचाव कर सकें। इस हेतु रात्रि में भी फोर्स तैनात रहती है और सैटरडे संडे को भी हम लोग भी और पुलिस के सिपाही भी, पुलिस के ऑफिसर्स भी मार्केट में निकल करके उसका पालन करा रहे हैं। सर, जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अनुरोध है कि वो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करे, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी मेंटेन करे और कोविड से बचाव तभी तक है जब तक हम उसके प्रोटोकॉल का पालन करते रहें।